विश्व के देशों के संगठनों में से एक नाटो भी प्रमुख संगठन है जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाई गई है। दोस्तों, विश्व के प्रमुख देशों के जो संगठन हैं उनमें से नाटो भी एक प्रमुख संगठन है और इसको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही बनाया गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि नाटो NATO क्या है, इसमें किस प्रकार के काम होते हैं और यहाँ पर कौन कौन से देश शामिल हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी को मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर से जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अभी जो है रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वो भी इसी नाटो से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको बात करते हैं, नाटो क्या है, NATO। तो फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं सबसे पहले नाटो, NATO, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो यह है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना 4 अप्रैल 1949 यानी कि 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका USA में इसका स्थापना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन DC USA में। इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर जो है वह है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो नाटो है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है कि सदस्य देशों के द्वारा जो सदस्य देश हैं वहाँ पर बाहरी राज्य आक्रमण के समय सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक सहयोग प्रदान करना। तो यह है इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य, जो कि सदस्य देश हैं वहाँ पर अगर सदस्य देशों पर कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो इन सदस्य देशों पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था करना इनका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ में जो सदस्य देश हैं वहाँ पर सामाजिक आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देना है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी जो देश हैं यहाँ पर शामिल नाटो में उन सबों को सहयोग प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल कितने देश हैं, तो यहाँ पे वर्तमान में कुल देशों की संख्या है 30 यानी कि 30 टोटल देश हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, तो गठन या स्थापना के समय टोटल 12 देश थे यानी कि 1949 में 12 देशों के द्वारा इसका गठन किया गया, इसका स्थापना किया गया, जिसमें से जो 12 देश हैं वो हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन, पुर्तगाल और USA संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो है 12 देश हैं जो कि स्थापना के समय में थे यानी कि 1949 में। देशों के नाम आप देख लेंगे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है। बाद में जो है अन्य 18 देश इसमें जुड़ गए हैं यानी कि शामिल हुए, बाद में हुए जुड़े हैं। दोस्तों, अभी सबसे जो लेटेस्ट देश है यानी कि 30वां देश कौन है, तो 30वां देश है सदस्य देश वह है मैसीडोनिया, ये भी आपको नाम याद रखना है, मैसीडोनिया जो कि इसका 30वां सदस्य देश है और यह 6 फरवरी 2019 को जुड़ा है नाटो से। तो 6 फरवरी 2019 में यह 30वां यानी कि 30वां नंबर का देश बन गया मैसीडोनिया नाटो का। तो ये आप लोगों को याद रखना है, गठन के समय 12 देश थे और अभी टोटल 30 देश हुए हैं और 30वां देश जो है वह है मैसीडोनिया। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर जो महासचिव होते हैं यहाँ पर उसके बारे में। तो वर्तमान महासचिव जिनका नाम है जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है सचिव, जो महासचिव जो हैं वह 13वें नंबर के हैं यानी कि 13th नंबर के महासचिव हैं जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे देश से बिलोंग्स करते हैं, वहाँ के हैं ये। और इनका जो कार्यकाल है वह 2014 से 2022 तक का है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इनका जो है कार्यकाल को बढ़ा करके 2022 तक किया गया है, पहले यह 2019 तक था, तो ये आपको याद रखना है, 2014 से 2022 तक इनका कार्यकाल है। और अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ये महासचिव कौन थे सबसे पहले, तो उनका नाम था लॉर्ड इस्मे। तो लॉर्ड इस्मे सबसे पहले महासचिव थे और वर्तमान के 13वें नंबर के जो महासचिव हुए उनका नाम है जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं, ये हो गया। दोस्तों, यहाँ पर नाटो के जो है 4 प्रमुख अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट है नाटो के, पहला है परिषद,
दूसरा है उप परिषद, तीसरा है प्रतिरक्षा समिति और चौथा है सैनिक समिति। तो इनके सभी के अपने अपने काम है, वहाँ पर नाटो के लिए काम करते हैं परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षण समिति और सैनिक समिति। और यहाँ पर जो है परिषद के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, तो परिषद जो है वह नाटो का सबसे सर्वोच्च अंग होता है, सबसे ऊँचा भाग है यह परिषद। और परिषद का जो अध्यक्ष होता है वही वहाँ का सचिव यानी कि महासचिव होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि परिषद का अध्यक्ष जो होगा वही महासचिव होगा। तो ये आपको नाटो का जो परिषद वाला भाग है, चार अंगों में से परिषद, उसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी बता दी। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अभी जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन का विवाद है, जो युद्ध चल रहा है उसमें, तो यहाँ पर रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से अभी नाटो चर्चे में है। तो यहाँ पर थोड़ी सी यह है जानकारी कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस ऐसा नहीं चाहता है, और इसके साथ साथ और कुछ भी अन्य कारण है जिसके कारण से यह युद्ध चल रहा है। रूस को पसंद नहीं है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, इसी कारण से यहाँ पर युद्ध चल रहा है और इसी वजह से नाटो भी थोड़ा सा चर्चे में यहाँ पर। और नाटो जो देश हैं वो यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं क्योंकि नाटो में जुड़ना चाहता है यूक्रेन, इसी कारण से यहाँ पर ये नाटो देश सदस्य जो है नाटो देश के सदस्य हैं वे लोग यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। लेकिन रूस तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में मेंबर बन जाए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी यह जानकारी है कि जो है विघटन से पहले रूस यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा था यह हमारा जो नाम है यूक्रेन। तो यूक्रेन पहले विघटन से पूर्व सोवियत संघ का ही हिस्सा था, जो बाद में अलग होने के बाद यह अलग देश बन गया था। यानी कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो फिर यूक्रेन भी एक अन्य देश बन गया था। लेकिन यहाँ पर अभी जो यूक्रेन है वह नाटो सदस्य बनना चाहता है और रूस ऐसा नहीं चाहता है, तो इसी कारण से यहाँ पर थोड़ा सा युद्ध हो रहा है। और इसके अलावा में अन्य और कुछ भी कारण है जिसके कारण से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, अभी चर्चे में है। और ये जो है नाटो, इसमें नाटो देश जो है वो यूक्रेन की सहायता भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है वह है नाटो के बारे में जानकारी, उसके जो महासचिव कौन है, वो साथ साथ कितने देश हैं, उसका स्थापना और मुख्यालय कहाँ है और कब हुआ, ये सारी जानकारी को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी बता दी क्योंकि यहाँ अभी बहुत चर्चे में है यह नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो आपको अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को सारी जानकारी को ध्यान रखते हुए आपको सही सलामत से मार्क्स प्राप्त करना है। थैंक यू दोस्तों।